जो लखपति है वो करोड़पति होना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबोपति होना चाहता है, जो अरबोपति है वो उससे ज्यादा पैसे वाला होना लेकिन ये तो चाहता है। पूरी दुनिया में हो रहा है। नहीं, पूरी दुनिया में एक सलीके और एक तरीके से हो रहा है। ठीक है, एक आदमी जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपया महीना है, उसके घर के अखराजात 80,000 रुपए के हैं, ये कौन सी साइंस है आप मुझे बताइए कि सही। वो उसको पूरा करती होगी। और यहाँ 60% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं, लिमिटेड हैं, और उनके अखराजात जो हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? शॉर्टकट्स मारते हैं, सही, शॉर्टकट्स मारते हैं। और एक बात बिल्कुल। याद रखिए, देखिए, अगर आपने अपनी औलाद को हराम खिलाया ना, हराम, बेईमानी, चोरी, चकारी, इन सब चीजों से, लूट के, इन सब चीजों से खिलाया, तो वो आपके पास वो सारा वैसे ही निकल जाएगा। आप देखिए, कभी जमा करके नहीं रख सकता वो। अगर उसके पास रहेगा, जमा भी होता है, तो एक डिजास्टर होगा और सब खत्म हो जाएगा। तो हमको ठीक होना चाहिए, हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं, हमको सही होना चाहिए। हमको इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि हम दूसरे के हुकूक मारें, छीन लें लोगों को, 1200 रुपए, 800 रुपए के एक मोबाइल के लिए एक जान ले लेते हैं हम। कभी वो तन्हाई में बैठ के वो सोचते नहीं होंगे कि एक इंसान की जिंदगी, जब वो पैदा होता है तो वो गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर वो इंसानी फॉर्म में आता है, फिर वो दुनिया में आता है बेसहारा, बेबस। माँ उसको 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, फिर वो गर्म सर्द का मुकाबला करता है और बड़ा होता है, चोटें लगती हैं, धूप है, बारिश है, और फिर एक आदमी उसको एक 500 रुपए के मोबाइल के लिए इतनी तकोदौ से पलने वाले बच्चे को गोली मार के चला जाता है। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आप मुझे बताइए, ये क्या जुनून है? मेरे पास क्यों ये अल्फाज नहीं क्यों है। क्यों भूल गए हैं? देखिए ना, क्यों भूल गए हैं कि एक दिन अल्लाह ने कहा है ना कुरान में कि जाओगे कहाँ तुम, आओगे तो तुम मेरे पास ना। और फिर अल्लाह ने कहा है कि मैं तुमको सब बता दूंगा कि तुम क्या क्या करते थे। और कुरान में है किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, आई कोट कुरान, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल ऐसे है जैसे तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, और अगर किसी एक बेगुनाह की जिंदगी बचाई, गोया तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। आर वी ट्रू ह्यूमन बींग्स? आर वी ट्रू मुस्लिम्स? हम क्या हैं? हम हैं क्या, पहले तो ये बता। हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ रहा। आने वाली सड़क से जा रहे होते हैं, जाने वाली सड़क से आ रहे होते हैं, पान खाएंगे, बाहर मुंह निकालेंगे, पच करके थूक देंगे, कुछ बोलो तो कहते हैं कौन सा तुम पे थूक दिया। ये क्या कौम है ये? अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे। बस 11 फुट सतह समंदर से नीचे है कराची, एक बाढ़ आ गई ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहां कोई रहता था। और पढ़े कुरान, ऐसी सारे ऐसी बस्तियां अल्लाह ने तबाह कर दी, आसमान से अजाब भेजता है या जमीन से अजाब भेजता है।